विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर आज झांसी रानी के ऐतिहासिक दुर्ग पर झांसी वासी उमड़ पड़े। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शिरकत की। ऐतिहासिक दुर्ग पर झांसी रानी के स्वरूपों की घोड़ों पर सवार होकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर नगर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि रानी झांसी के ऐतिहासिक दुर्ग पर पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या को एकत्रित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई है। इस ऐतिहासिक दुर्ग से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत का संकल्प लिया था और आज इस संकल्प को साकार करने के लिए समूचा झांसी उमड़ा है। इस मौके पर तमाम समाज सेवियों के साथ कलाकारों व आमजन ने हिस्सा लिया तथा कई प्रकार की झांकियों के साथ शोभा यात्रा भी किले तक पहुंची। मैं आचार्य हरिओम पाठक, झांसी महानगर का महानगर धर्माचार्य होने के नाते आज हमारे यहाँ विश्व धरोहर दिवस पर रानी के धरोहर को देखने के लिए झांसी की आम जनता का आह्वान किया गया है जागरण के द्वारा। और जागरण की इस पहल ने आज एक नई क्रांति ला दी है। पूरी झांसी यहाँ दुर्ग को देखने उमड़ रही है, रानी झांसी को नमन कर रही है, इसके लिए अपनी विरासत को देख रही है। इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो जो लोग देख रहे हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, विश्व धरोहर की शुभकामनाएं देता हूँ। और झांसी के लोग तो आवें, जहाँ जहाँ तक पूरे देश में ये मेरी आवाज़ जा रही है, रानी झांसी के शौर्य को, रानी झांसी के त्याग को, रानी झांसी के बलिदान को नमन करने के लिए अगले वर्ष जरूर आप विश्व धरोहर दिवस पर यहाँ झांसी पधारें, आप सबका हम स्वागत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज झांसी के विश्व धरोहर जो हमारा झांसी का दुर्ग है उसका आज हम लोगों ने वो विश्व दिवस मनाया है और एक विश्व रिकॉर्ड कायम करने के लिए यहाँ पूरी झांसी का आह्वान किया गया था आने के लिए। उसके उपलक्ष्य में विधायक रवि शर्मा की तरफ जी से, विधायक सेवा ट्रस्ट की तरफ से यहाँ हम लोगों ने लस्सी वितरण का कार्यक्रम चार्ज किया हुआ है और लस्सी वितरण चल रही है और आने वाले समय में भी इसी तरह के कार्यक्रम हम लोगों के चलते रहेंगे विधायक सेवा ट्रस्ट द्वारा। आज विश्व धरोहर दिवस पर झांसी के ऐतिहासिक रानी झांसी के दुर्ग पर पूरे झांसी ने विश्व रिकॉर्ड बनाने का संकल्प लिया कि हम आज पर्यटकों का विश्व रिकॉर्ड झांसी में अपने दुर्ग के कितने लोग देखने आए इसका रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। तो आज पूरे झांसी का जन जन उत्साहित है, आप इन लोगों का उत्साह देख रहे हो। लोग विभिन्न प्रकार की झांकियाँ रानी के स्वरूप के साथ साथ सभी समाज सेवी संगठन कुछ ना कुछ काम में लगे हैं। ये बहुत बड़ा अभियान है निश्चित रूप से। इस अभियान से जहाँ एक ओर मोदी जी ने झांसी आकर के झांसी के दुर्ग से लोगों को संबोधित करते हुए नए राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया था, वहीं दूसरी ओर झांसी में इस तरीके के विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर होने वाले उत्सव से झांसी के दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। देखिए, आपको बता दें, आज विश्व विरासत दिवस है, इसमें हमने जितने भी लोग इसमें प्रतिभाग करें उनसे अनुरोध है कि अपनी विरासत का संरक्षण करें, चाहे वो संस्कृति हो या अन्य चीज़ें हों, उनका हमें संरक्षण जरूर करना चाहिए, याद भी करना चाहिए, उनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए। जैसे आज हम जिस पावन भूमि पे खड़े हैं, 1857 की क्रांति की महान वीरांगना की ये भूमि है, तो आज उनके सत्कर्मों को याद करते हुए हम सबको अच्छा और बेहतर भारत बनाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। थैंक यू। झांसी से मोहम्मद साहब के साथ राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थांड्रा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी।